कैरेक्टर जो है हमारी सर, वो बड़ी कमर्शियल फिल्मों के स्कूल से आते हैं। कमर अनीस वकील के असिस्टेंट थे, तब तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म सोची थी बनाने की, वो उठे जो बिल्कुल कमर्शियली कंटेंट है ही नहीं, जो कहा जाता है सो कॉल्ड कमर्शियल नहीं। तो एक तो ये वजह से, और प्रिंसिपल का जो रोल है वो मतलब एक आम आदमी है, घर है, पुश्तैनी, बनना कुछ चाहता था, लेकिन प्रेशर में प्रिंसिपल बना दिया गया। पर बनना कुछ चाहता था, मतलब अलग दुनिया में कुछ होना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल बनना पड़ा पिताजी की वजह से और सारी चीजें, और एक जिंदगी जी रहा है, जी रहा है। या एक समय आता है उसको लगता है यार लाइफ में कुछ करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, और फिर वो गुठली के लिए लड़ता है किसका एडमिशन हो सकता है। तो ऐसा ही सा एक बहुत जनरल करेक्टर, बहुत सारे शहरों में मिलेंगे ऐसे, बहुत सारे छोटे शहरों में मिलेंगे ऐसे। सर ये जो किताब की तरह होती है, अगर आप एक फिल्म देखती हैं तो समझ लीजिए आपने एक किताब पढ़ी है, वो अच्छी किताब भी होती है, बुरी किताब भी होती है। अगर हमारी फिल्म देख करके आपको अगर 20 मिनट भी लगे, एक दिन भी लगे, यार बात तो सही कह रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिल्म। मैंने अपने बच्चों को दिखाई थी एक शो में, शुरू में तो आजकल के वो बच्चे बड़ी वो सब ऐसे ही, हाँ पापा ये पिक्चर क्यों, ये पिक्चर क्यों देखे क्यों। जब उन्होंने देखना शुरू किया उनकी आंखों में आंसू था, और लास्ट में जब वो क्लाइमेक्स में जो उठली होता है उसके साथ जो होता है वो खड़े होकर ताली बजाते, और घर में आते पापा तो फिर ये लोग क्यों नहीं पढ़ते, उनको भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ। तो ये सवाल आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर मूवी से कोई ऐसा सीन जो आपको भी बहुत मन से जुड़ गया हो या बहुत आपको अभी भी याद हो, ऑफ सेट ऑन सेट कोई भी? एक सीन है जहाँ मैं तालाब के बगल में बैठा हुआ हूँ और अपने असिस्टेंट से कह रहा हूँ बात करना, कि अगर ये मछलियाँ यहाँ से निकल के, उनको भी हक है महासागर में जाने का, और जिस दिन वो सोच लेंगी कि महासागर की तरफ जाना है, रण कर लेंगी, वो सीन थोड़ा बहुत अंदर की बात कहता है। लेकिन एक पसंद इसलिए क्योंकि कलाकार का फर्ज है कि वो ऐसी चीजें बात करे कभी कभी स्क्रीन के साथ, काम करता है, मैं अपना काम करता रहा ईमानदारी से, मुझे ये एक मौका मिलेगा बच्चों को, नहीं बोला था, एक मौका मिलेगा चौका मारने, एक मौका मिलेगा चौका मारने, उसके लिए मुझे स्ट्रगल ये नहीं करना है कि मैं क्या खा रहा हूँ या क्या पी रहा हूँ, छोड़ दीजिए कि नहीं, स्ट्रगल ये है कि मैं अपने आप को जिंदा कर सकूँ दिमागी तौर, बस यही है उद्देश्य। सर OTT जैसा कि बोलते हैं नए स्टार्स के लिए बहुत बेहतरीन मंच है, पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहते हैं कि उसके बाद मूवीज भी किया OTT भी किया, तो OTT वर्सेस थिएटर वर्सेस वर्सेस नहीं है, ये टेक्निक है, वर्सेस वर्सेस नहीं, ये हम बना दे रहे हैं, टेक्निक है, धीरे 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 धीरे। एक दौर रहा होगा कि सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल होता हुआ लोग वहां तक जाते थे, फिर धीरे 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 काफी सिनेमा हॉल सुबह होंगे तो सबको नजदीक होने लगा, हाँ मैं तो इस वाले इलाके के सिनेमा हॉल मेरे लिए नजदीक है, मैं वहां जाऊंगा। फिर धीरे धीरे हर गली में सिनेमा हॉल हो गया, तो ये टेक्निक है, वर्सेस नहीं। और लेकिन थिएटर में जाना हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्कुल मैं और मेरा मोबाइल, बाकी की चीजें भूल रहे हैं, बाकी हम कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं करते। थिएटर में जाइए, 10 लोगों से मिलिए, हाँ हाँ वो सारी चीजें, ये चीज हम थोड़ा मिस करें।